भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्री अमित शाह जी स्वागतम। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्री अमित शाह जी स्वागतम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। এবারে এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, আমাদের সকলের নেতা, আমাদের কাছের মানুষ, আমাদের পথপ্রদর্শক মাননীয় অমিত শাহজি। আমরা জোরে হাততালির মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানাবো, জোরে হাততালির মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানাবো। ভারত মাতা কি। এবারে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজিকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানাবে আমাদের জেলার সকলের প্রিয় সভাপতি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পূর্ব জেলার সভাপতি মাননীয় সুনীপ দাস মহাশয়। মাননীয় সুনীপ দাস মহাশয়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানাতে বলবো। माननीय अमित शाह जी के उत्तर दिए स्वागत जानाच्छेन गोसाबा विधानसभा प्रार्थी माननीय वरुण प्रामाणिक महाशय। एबार अमित जी के स्वागत जानाच्छे पुष्पस्तबक दिए बासंती विधानसभा प्रार्थी रमेश माझी। माननीय रमेश माझी महाशय। एबारे माननीय अमित शाह जी के शाल दिए माननीय अमित शाह जी के स्वागत जानान अपना हाथतालिर माध्यमे स्वागत जानाबेन। तीन है देखो अबे पूरा मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई गोसाबा वालों की आवाज ऐसी होगी क्या? इतनी सारी माताएं बहनें आई है, आवाज दमदार होनी चाहिए, दमदार। हो गया क्या जयकारा दमदार? पक्का? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, पीछे दूर दूर खड़े लोग भी उठाएं, हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए। 1 तारीख को तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। मेरे साथ मुट्ठी बिंची और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। रहने दो ना, तुम माइक रख दो नीचे, माइक नीचे रख दो, बंद कर दो, बैठ जाओ तुम पीछे। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, राजस्थान में प्रतिपक्ष के उपनेता श्री राजेंद्र राठौर जी, हमारे सांसद हरीश त्रिवेदी जी, जिला अध्यक्ष 24 परगना श्री सुनीप दास जी, श्री गोपाल देवनाथ जी, श्री सोमेन कमिला जी, सुश्री अमृता बनर्जी जी, श्री बीपी रॉय जी, श्री गौतम रॉय जी, श्री जितेंद्र फौजदार जी हमारे साथ आए हुए, हमारे मीडिया सेल के सह कन्वीनर भाई संजय मयूख जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं गोसाबा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी चित्ता वरुण प्रामाणिक जी, अरे आ गया हो भाई और बसंती से श्री रमेश मांझी जी। और आज इस चिलचिलाती धूप में यहां पर आए हुए माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज गंगा सागर के पवित्र तीर्थ के पर इस भूमि पर आकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मेरे साथ फिर से बोलिए, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर। मित्रों, मैं वन देवी वन दुर्गा को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जो हमारे जंगलों की सुरक्षा करती है। मित्रों, आज 23 मार्च है, शहीद दिन है। आज के ही दिन शहीद भगत को सौभाग्यशाली मानता हूं। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मेरे साथ फिर से बोलिए, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर। मित्रों, मैं वन देवी वन दुर्गा को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जो हमारे जंगलों की सुरक्षा करती है। मित्रों, आज 23 मार्च है, शहीद दिन है। आज के ही दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी का फंदा चुमकर अपने प्राणों की आहुति मां भारती को स्वतंत्र करने के लिए दिए थे। मैं तीनों शहीदों को प्रणाम कर कर हम सभी की ओर से वो हुतात्मताओं को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं बंग भूमि के रक्षक महाराजा प्रतापादित्य, जिन्हें मुगलों से लड़ते लड़ते सालों तक ये बंग भूमि की रक्षा करी, उनको भी मैं याद करना चाहता हूं। रायचरण सरदार, शिवनाथ शास्त्री जैसे महान समाज सुधारक, कन्हैयालाल भट्टाचार्य और शहीद विश्वजीत धोराई जैसे देशभक्तों को भी मैं प्रणाम करता हूं। और आज मैं यहां आया हूं, मन में दुख लेकर भी आया हूं। ये बंगाल की भूमि ने पूरे देश को स्वतंत्रता की लड़ाई में नेतृत्व दिया। गुरुवर टागोर, प्रफुल्ल चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुजीराम बोस, सूर्य सेन, न जाने कितने कितने हमारे शहीद लोगों ने यहां पर अपने जान न्योछावर किए। और नेताजी को कैसे भूल सकते हैं? सुभाष बाबू ने उस जमाने में हजारों किलोमीटर की यात्रा काटकर अंग्रेजों को दिन में तारे दिखाने का काम किया था। मित्रों, दिन में तारे, वही बंगभूमि आज भ्रष्टाचार, टोलबाजी, घुसपैठ का अड्डा बनी हुई। मित्रों, इस पर मैं बाद में आता हूं। सबसे पहले हमारी सरकार बनने वाली है, भाजपा सरकार बनने वाली है। ये गंगा सागर क्षेत्र के लिए भाजपा सरकार बनेगी तो हम क्या करने वाले हैं वो बताना चाहता हूं। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? मित्रों, ये गोसाबा विधानसभा 9 द्वीपों का समूह है। समंदर के होते हुए कलकत्ता से इतना नजदीक होने के बावजूद भी आज तक कोई व्यवस्था नहीं की। शुद्ध पीने का पानी, माताएं बताएं, शुद्ध पीने का पानी आपको मिलता है क्या? जरा जोर से बोलो, मिलता है क्या? मित्रों, भाजपा सरकार बना दीजिए, 2 साल में नल के द्वारा शुद्ध पीने का पानी हर घर में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। गदखाली से चंडीपुर गोसाबा, रानीपुर से सज्जलिया, मुल्लाखाली से कुमीरमारी आमटोली और राधानगर से तारानगर को जोड़ने वाले ब्रिज बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, हमने गुरुदेव रूरल एडवांसमेंट मिशन बनाया है जो अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ गांव के विकास के लिए देंगे, जिसका बहुत बड़ा फायदा ये 9 द्वीपों वाली गोसाबा सीट को होने वाला है। मित्रों, पौंड क्षत्रिय दलित समाज के लिए हम डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और नौकरी की भी व्यवस्था करने वाले हैं। ये सुंदरवन, दीदी ने सुंदरवन को बहुत अन्याय किया है। मैंने अभी घोषणा पत्र घोषित किया, उसमें लिखा है कि हम सुंदरवन डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कर सुंदरवन को बंगाल में सबसे विकसित क्षेत्र बनाने के लिए। मित्रों, मोदी जी पैसा तो बहुत भेज रहे हैं। अम्फाम आया था ना भाई, आया था या नहीं आया था? मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? मिला है? ये कहां गया? ये भतीजा एंड कंपनी चाऊ कर गई है। भतीजा एंड कंपनी चाऊ कर गई। आप चिंता मत करिए, मोदी जी ने भेजा हुआ पाई का पैसा जिन्होंने चोरी किया है, एक SIT बनाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। चाहे अम्फाम हो, चाहे बुलबुल हो, चाहे आइला हो, ये सारे घोटालों की जांच हम एक SIT बनाकर करने वाले हैं। और मित्रों, साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 6,500 करोड़ रुपए का एक पैकेज भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार देने वाली है। सुंदरवन में दुनिया भर के टूरिस्ट को लाने के लिए हम एक टूरिस्ट सर्किट भी बनाने वाले हैं। सुंदरवन में एक एम्स की स्थापना भी करेंगे, जिससे आप लोगों को कलकत्ता इलाज के लिए न जाना पड़े। मित्रों, ये हमारे मछुआरे भाई यहां बहुत रहते हैं। ये दीदी जो योजना मोदी जी भेजते हैं मछुआरों के कल्याण के लिए, वो योजना आप तक नहीं पहुंचने देती। हमने तय किया है कि भाजपा की सरकार बनते ही 1,500 करोड़ रुपए की योजना जो मोदी जी ने भेजी है, सीधी यहां पर लागू करने की बात करेंगे। मित्रों, हर मछुआरे को साल में 6,000 रुपया, कितना? जरा जोर से बोलो, कितना आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2,000 करोड़ की लागत से सुरक्षा फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हम निर्माण करेंगे। सीमांत और भूमिहीन किसान और मत्स्य पालकों का 3 लाख तक का बीमा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारेगी मित्रों, भारतीय जनता। और टाइगर कंजर्वेशन सेल भी बनाएंगे और मैं वादा करता हूं मित्रों, ये नरेंद्र मोदी का वादा है, ये सारी चीजें अगली बार जब मैं वोट लेने आऊंगा तब समाप्त कर आऊंगा। आप मेरा भरोसा कर सकते हैं, भरोसा। भारतीय जनता पार्टी देश में जहां जहां वादा किया हमने पूरा किया। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाया, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाई, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और दीदी ने गत चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 282 वादे किए थे, उसमें से 82 भी पूरे नहीं कर दी। अरे दीदी हिसाब लेकर आओ, हिसाब लेकर आओ। गोसाबा देना चाहिए नहीं देना चाहिए हिसाब? जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? वो तो नहीं देगी। आप हिसाब कर देना 1 तारीख को कमल की मोहर पर बटन दबाकर। करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे क्या? मित्रों, सुंदरबन क्षेत्र में हमने 5,000 करोड़ रुपया भेजा तटबंध और बैरेज बनाने के लिए, सारा चाऊ हो गया। 2016 के चुनाव में मल्टीपल इंटीग्रेटेड फिशरी जोन बनाने वाली थी दीदी, आज तक मालूम नहीं है कहाँ गया, वो बना ही नहीं। 15, 17 और 19 में दीदी ने कहा था कि इसको सुंदरवन को हम जिला बनाएंगे। बना है क्या जिला? बना है क्या? मैं आपको कहता हूं, भाजपा का मुख्यमंत्री ला दीजिए, एक ही साल में सुंदरवन को हम जिला बनाने का काम कर देंगे। मित्रों, लगभग गंगा सागर का मेला जो होता है, हम 2,500 करोड़ का खर्च कर ये मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा देने का काम गंगा सागर के 14 जनवरी के मेले का। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने, श्री मोदी जी ने 115 योजनाएं बनाई है। योजनाओं को अंग्रेजी में स्कीम कहते हैं। स्कीम क्या कहते हैं? जोर से बोलो, क्या कहते हैं? एक और मोदी जी ने गरीब के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई है। दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं, स्कैम बनाए। गरीबों का पैसा ये कट मनी वाले ले जाते हैं। ये बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, मुझे बताओ, ये महान प्रदेश के अंदर, हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो जरा, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? दीदी रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? अरे आप भाजपा की सरकार बना दो, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मर पाए ऐसी व्यवस्था। मित्रों, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? भाई मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए ना। हम सीए को लागू कर सभी शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। मित्रों, हमने नोबेल प्राइज की तौर पर, टागोर प्राइज और ऑस्कार की तौर पर सत्यजीत रे अवार्ड बनाकर ये 2 महान बंगाल के सपूतों को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने वाले हैं। और बंगाल के कलकत्ता को सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का खर्च करेंगे। मित्रों, ये इतनी सारी दीदी बैठी हैं, माताएं बैठी हैं। दीदी ने आपको रिजर्वेशन दिया है क्या? बताइए, दिया है रिजर्वेशन? भाजपा की सरकार बना दीजिए, महिलाओं को 33% नौकरियां, सरकारी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। बच्ची को केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, एक योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत आप सभी को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा मोदी जी भेजते हैं, मगर आपको मिलता है भाई? मिलता है? मिलता है जरा दीदी बताएं, मिलता है? इसलिए नहीं मिलता है कि ममता दीदी आप तक पहुंचने नहीं देती हैं। आप भाजपा सरकार बना दो, पहली ही कैबिनेट के अंदर हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू कर 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, ये माताएं जब बस में बैठती हैं, बहनें जब बस में बैठती है टिकट लेना पड़ता है ना, नाव में बैठती है टिकट लेना पड़ता है ना। आप भाजपा सरकार बना दो, सारी महिलाओं को ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विधवा पेंशन 1000 रुपया मिलता है, हमने तय किया है कि 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपया विधवा पेंशन करने का काम। मित्रों, मैं यहां आया हूं, ममता दीदी को कुछ पूछना चाहता हूं कि ममता दीदी आप जरा बंगाल की जनता को जवाब दीजिए, कि ये राज्य में क्या आप घुसपैठ रोकना चाहती है क्या? मित्रों, बंगाल में आप गुंडा राज चाहते हो? गुंडा राज, टोल मनी चाहते हो? ये टोल बाजों को चाहते हो? ये भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो क्या? ममता दीदी की नजर इस पर ही है, मोदी जी की नजर आपके विकास पर, आपके भविष्य पर ठहरी। ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने में पड़ी है और मोदी जी आपका विकास करने के लिए दिन रात लगे। आने वाले दिनों में 1 तारीख को आपको वोट डालने जाना है। यहाँ कहते हैं गुंडे मारेंगे, अरे मैं कहता हूँ डरना मत, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है इस बार बंगाल के लोगों को रोकने की, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है। निर्भय होकर वोट डालिए, बंगाल के कल्याण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं गारंटी लेता हूं कोई गुंडा कोई माँ बहन या भाई को हाथ लगा नहीं पाएगा। मित्रों, हाथ नहीं। मित्रों, आप मुझे बताओ भाई, यहां पर परिवर्तन करोगे क्या? जोर से बोलो जरा, करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? हमारे दोनों प्रत्याशी आगे आओ भाई, दोनों लोग आगे आओ। हमारे दोनों प्रत्याशियों को विधायक बनाओगे क्या? जोर से बोलो, बनाओगे? ममता दीदी को हटाओगे? यहां पर बंगाल को सोनार बांग्ला बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ, संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे